भारत में खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल मैचों के दौरान अक्सर मैदानों में तंबाकू और गुटखे के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। इन विज्ञापन से बोर्ड की अच्छी कमाई होती है, लेकिन सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि अब स्टेडियम में दिखाए जाने वाले तंबाकू और गुटखे के विज्ञापनों को बंद किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन विज्ञापनों को लेकर बड़ा कदम उठाने की प्लानिंग कर रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन वाइटल स्ट्रैटेजीज का एक अध्ययन मई में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया, जिसमें बताया गया कि 2023 में धुआं रहित तंबाकू ब्रांडों के सभी सैरोगेट विज्ञापनों में 41.3% क्रिकेट वर्ल्ड कप के पिछले 17 मैचों के दौरान दिखाए गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बीसीसीआई से मैदान पर धुआं रहित तंबाकू के विज्ञापन को बंद करने के लिए कहने की प्लानिंग कर रहा है। इसमें उन विज्ञापनों को बंद करने पर ज्यादा जोर दिया गया जिसमें किसी सेलिब्रिटी ने प्रमोट किया है। रिपोर्ट में गोपनीयता की शर्त पर एक सोर्स के हवाले कहा गया, क्रिकेट मैच युवा जनसंख्या के बीच बहुत मशहूर है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सैरोगेट धुआं रहित तंबाकू के विज्ञापन क्रिकेट मैचों के दौरान प्रदर्शित किए जा रहे हैं और सेलिब्रिटी का समर्थन हो रहा है। यह अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को अपनी ओर खींचता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय बीसीसीआई को पत्र लिखकर किसी भी रूप में तंबाकू विज्ञापन दिखाने से रोकने का आग्रह कर सकते हैं। गौरतलब है कि वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। भारत में 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी अकेले की थी। इसी तरह के बड़े टूर्नामेंट में तंबाकू या गुटखे के विज्ञापनों से युवाओं पर ज़्यादा असर पड़ता है।